चल हो ऐसी को मन भाई सावरे कुंवर कनाई। बनठन कहाँ चले ऐसी को मन भाई सावरे से कुंवर कनाई। मुख तो सोहे जैसे दूज को चंदा छिप छिप देत दिखाई। चले ही जाओ नेक ठाड़े रहो किन ऐसी सीख सिखाई। नंददास प्रभु अबन बनेगी निकस जाई ठकुराई। जय श्री कृष्ण राधे राधे श्री वल्लभाधीश की जय। आज 16 दिसंबर 2020 बुधवार मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीया है। श्रीनाथ जी में आज दूज को चंदा अथवा चंदा उगे को श्रृंगार है। आज शयन के समय प्रभु के सन्मुख यह अद्भुत कीर्तन बनठन कहाँ चले हो राय गाया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि श्री जी के आज के अद्भुत अलौकिक दूज के चंदा या चंदा उगे को श्रृंगार के दर्शन के आनंद लें और मंगल कमेंट अवश्य करें। तथा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नित्य दर्शन करने का आनंद प्राप्त करें। साथ ही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के श्रृंगार की विशेषता यह है कि नित्य लीला स्थित तिलका श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी की भावना के आधार पर चंद्रमा के पदों के ऊपर आधारित यह पांच चंद्र पर आधारित दूज के को चंदा या चंदा उगे का श्रृंगार विक्रम संवत 1774 में आज के दिन किया था। ये पांच चंद्रमा इस प्रकार है जिनके आधार पर यह श्रृंगार किया था। पहला चंद्रमा पिछवाई पर, दूसरा कतरा में, तीसरा शीशपुर में, चौथा वक्षस्थल पर और पांचवा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का मुख चंद्र। तब से प्रतिवर्ष यह श्रृंगार आज के दिन श्रीनाथ जी को धराया जाता है। इस श्रृंगार के पीछे भावना यह है कि बालक श्री कृष्ण ने मैया यशोदा जी से चंद्रमा लेने की जिद की थी, तब यशोदा जी ने उन्हें ये पांच चंद्रमा बताए थे। इनकी अन्य भावना यह है कि स्वामिनी जी नंदालय में आधा नीलांबर ओढ़कर अपने चंद्र स्वरूप प्राण प्रिय प्रभु के दर्शन कर रही है और प्रभु के चंद्र समान मुखारविंद के भाव से यह श्रृंगार आज के दिन धराया जाता है। इसी भाव का यह कीर्तन देखें जो आज राजभोग दर्शन में गाया जाता है। आधो मुख नीलांबर सो ढांक्यो बिथुरी अलके सोहे एक दिशा मानो मकर चांदनी गन विजुरी मन मोहे कबहु कर पल्लव सो केश निवारत निकसत ज्यो शशि जोहे सूरदास मदन मोहन ठाड़े निहारत त्रिभुवन में उपमा को है। आज दिन भर सभी समय चंद्रमा के भाव के कीर्तन गाए जाते हैं। शयन के समय जो अद्भुत कीर्तन गाया जाता है जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, बनठन कहाँ चले लाल ऐसो को मन भाई सांवरे हो कुंवर कनाई। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्याम मखवल की पिछवाई धराई जाती है जिसमें रुपहली जरदोजी के काम से चंद्रमा और तारों का सलमा सितारा का काम किया हुआ होता है। श्री स्वामिनी जी एवं श्री चंद्रावली जी दोनों प्रभु के दोनों ओर फिरोजी रंग का नीलांबर ओढ़कर खड़े हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन इस पिछवाई में होता है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर
श्वेत बिछावट होती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाजीश को आज बिना किनारी की रुपहली जरी की चोली, घेरदार वागा, सूथन और मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र आज मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु श्री गोवर्धन धरण को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का कलात्मक श्रृंगार अंगीकार करवाया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्री मस्तक पर आज विशिष्ट श्रृंगार किया जाता है, जिसमें रुपहली जरी के चीरा अर्थात जरी की पाग के ऊपर सिरपेच, चंद्रगाठ का कतरा और शीश फूल जिस धराया जाता है, तथा शीश फूल के ऊपर भी चंद्रमा धराया जाता है। आज आवरण चंद्रमय होते हैं। श्री मस्तक पर अलक धराया जाता है। दूज के चंद्रमा के आकार का जड़ाव का स्वर्ण का हास अर्थात जुगावली धराया जाता है और वक्ष स्थल पर चंद्रहार धराया जाता है। प्रभु के श्रीकर्ण में आज कर्णफूल धराए जाते हैं। सभी समय आज सफ़ेद मनका की माला जी आती है। श्वेत एवं रंग बिरंगे पुष्पों की दो सुंदर माला जी प्रभु के श्रीकंठ में सुशोभित की जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में आज चांदी के वेणु जी और एक वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट रुपहली जरी का आता है और गोटी चांदी की आती है। आज की राग सेवा, आज की कीर्तनों की चर्चा करते हैं। श्रृंगार दर्शन में आज कीर्तन चमक आयो चंदसो मुख, राजभोग में आधो मुख नीलांबर सो ढापियो, आरती में विमल जस वृंदावन के चंद को, और शयन में बनठन कहाँ चले हो लाल का गायन किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।